हेलो हेलो, आपने ये क्या कर दिया? उन्होंने पैसे क्या मांग लिए आपसे? तो आपने रिस्क उठाकर लाख रुपए दे भी दिए? ऐसी बात नहीं है, कभी कभी दुनिया भर के पैसों से भी एक जान नहीं बचाई जा सकती। ऐसे में लाख रुपयों के लिए एक जान को कैसे जाने दे सकती थी? क्यों, सही कहा ना मैंने? एक अनजान इंसान के लिए आपने जान बचाने के लिए जानना जरूरी नहीं है ना? ऑटो, कार कल लेकर आइएगा। टेक केयर। देखकर पता चला लड़की सुंदर है, लेकिन जब उसका दिल देखा तो पता चला उसका मन भी उतना ही सुंदर है। नेक्स्ट डे कार डिलीवरी के लिए कॉल किया तो उसने कॉलेज जाने के लिए कहा। ये ठीक है? अरे सुपर, लड़कियों की बहार है। में देखकर सोचा था सुंदर है, डेलाइट में तो और भी सुंदर लग रही है। हाय। हाँ हाय, चल कीज दे। ये बालू। हेलो। ये बॉब जी। हेलो। और वो अप्पू। गांव से और लोगों को भी बुला लेते। भाई तुम्हें थोड़ा गुस्सा ज्यादा ही आता है। भाई कहो। मतलब ये फेस देखकर कंफ्यूज हो गया। क्लास से आ रही हो ना? नहीं, स्टेज शो करके आ रहे हैं। ये तबला बजाती है और मैं मृदंग बजाती हूँ। वाह, क्या बजाती हैं। आपकी कार रिपेयर हो गई है, एक बार टेस्ट ड्राइव करेंगी? धक्का मार कर लाए हो? नहीं नहीं, चला कर लाए हैं। तो फिर टेस्ट ड्राइव क्यों? टाइम पास के लिए। मतलब आपकी कार का इंजन बहुत स्मूथ है। ऑयल कौन सा यूज करती है बता देंगी तो अपने कस्टमर्स को वही रेकमेंड करूंगा। नवरत्न हेयर ऑयल। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कीजिएगा। हमारे पड़ोस में काम वाली नहीं आ रही है, बहुत प्रॉब्लम है। आप आके काम कर सकते हैं? कार में कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करने के लिए कह रहा हूँ। Okay, क्लास का टाइम हो रहा है, कीज देंगे। थैंक यू, बाय। भगवान की मर्जी से एक बार मिले थे, लेकिन अब दोबारा कब मुलाकात होगी ये नहीं पता। पहली बार तो भगवान मिला देते हैं यार, दूसरी बार हमें खुद कोशिश करनी पड़ती है। मत ले, शाम तक उस लड़की की कार आ जाएगी, नहीं तो देखना कॉल आ जाएगा। कॉल क्यों आएगा यार? क्योंकि उस लड़की की कार खराब हो जाएगी। क्या कहा था? ए, जानू का फोन है यार, उठा ना। हेलो, मेरी कार खराब हो गई है। सच में? हाँ सच में। कहाँ, क्या हुआ? कॉलेज से आते वक्त कार खराब हो गई। कार्बोरेटर खराब हो गया होगा। हाँ? मतलब उस दिन इंजन प्रॉब्लम आई थी ना, तो अब कार्बोरेटर प्रॉब्लम आएगी, इसका हाँ। ये मतलब था। ओ, आप एक घंटा रिलैक्स कीजिए ना, कार हम अभी रिपेयर कर देते हैं। क्या कहा, एक घंटा? अगर आपको अर्जेंट काम है तो बताइए, ये बाइक पर ड्रॉप कर देगा। इसके साथ जी, मैं नहीं जाऊंगी। घबराइए मत, इसने एक साल सर्कस में काम किया है, आपको बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। हा? आप इस सब की टेंशन मत लीजिए, आप तो बस कॉफी शॉप पे जाके कॉफी पीजिए। आप पीते रहिएगा, ये बोलता रहेगा, इतने में तो हम गाड़ी ठीक भी कर देंगे। आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? चार हैं मेरे। बॉयज के बॉयफ्रेंड होना तो कॉमन चीज है, इसलिए इन्हें पूछ रहा था। वैसे ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए क्यों? मतलब बॉयफ्रेंड की भी तो कार होगी ना, उन्हें भी हमारे गैरेज में लाने को कहिए। अच्छा, कवर किया। आपके पापा क्या करते हैं? सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे क्यों का क्या मतलब होता है, कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना। कुछ बात करने के लिए कार कहाँ से खरीदी, कितने में खरीदी, माइलेज कितना देती है, ये सब भी तो पूछ सकते हो, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों? हे चुप ना। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। बिस्किट खाओगे? नहीं नहीं, आप खाइए ना। आप क्लास टॉपर है ना? आपको कैसे पता? आपकी तरह साइलेंट रहने वाली लड़कियां अच्छे से पढ़ती हैं। क्रीम बिस्किट चाहिए? वन सेकंड। जिस गाड़ी में साइलेंसर ना हो, ऐसी गाड़ी को सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इस बार आवाज करे तो उसके पुर्जे तोड़ देना। बाय। एक्चुअली एक घंटा हो गया है, तो चलते हैं। क्या, एक घंटा हो गया? आपसे बात करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। वेटर, बिस्किट पुराने हो गए हैं, अगली बार बदल देना। क्या बोलता है, अब तक तो पटा लिया होगा ना? आपकी कार ठीक हो गई? थैंक यू। क्या रे, कुछ काम बना क्या? कहाँ यार, वो कबाब में हड्डी बन के बैठी थी ना। तो टेंशन मत ले, किसी न किसी दिन ये कार लेके अपने गैराज में आएगी ना, तो ब्रेक निकाल देंगे।
इसलिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ। हर रिपेयर के लिए पूरी गैंग का आना जरूरी है। ये गैंग नहीं है, इट्स अ टीम। सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट्स हैं। पता होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम कहाँ है। हाँ, पता होना चाहिए, वायरिंग प्रॉब्लम है ना। हाँ? चाहे जितना बड़ा एक्सपर्ट हो, देखे बगैर बताना गलत है बेटा। सडनली कार खराब हो जाती है, परसों एक बार, कल एक बार, आज फिर खराब हो गई। आपके गैराज में लाने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। किट्टू, वायरिंग प्रॉब्लम, एक्सपर्ट है। बस थोड़ा वायरिंग इशू है ना, दो घंटे में ठीक कर ही देंगे। दो घंटे लगेंगे? हाँ, इन दो घंटों में हम थिएटर में मूवी देखेंगे और किट्टू हमें कंपनी देगा, है ना? Exactly. ये देखिए, मेरा दोस्त टिकट लेकर भी आ गया। वाह, पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हो, चलो चलते हैं। अबे तुझे हॉरर मूवी मिली थी क्या? रोमांस करने के लिए हॉरर मूवी सही होती है यार, तभी तो टचिंग हगिंग होती है। Sensing a presence.